फानी, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि वीवो इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में अपने नए स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम है वीवो V29e। और आज फाइनली यहां पर ये जो स्मार्टफोन है फ्लिपकार्ट पे भी लिस्ट हो चुका है, और इस स्मार्टफोन की इंडिया के लिए 100% कंफर्म लॉन्च डेट आ चुकी है, और पूरे फीचर्स और पूरी प्राइसिंग भी निकल करके आ चुकी है, जो कि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। वीवो V29e 5G स्मार्टफोन के बारे में बात करें तो ये जो स्मार्टफोन है फ्लिपकार्ट पे लिस्ट हो चुका है। अगर बात करें सबसे पहले इस स्मार्टफोन की डिजाइनिंग के बारे में, तो डिजाइनिंग आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है। इसमें आपको कर्व डिस्प्ले डिजाइन के साथ में एक डिस्प्ले देखने को मिलती है विद सेंटर पंचोल डिस्प्ले डिजाइन, और पीछे की साइड में भी आपको ट्रिपल ईयर कैमरा का सेटअप दिया गया है। साथ में जो कैमरे की पोजिशनिंग है वो काफी अच्छी है, और पीछे की साइड से भी ये जो स्मार्टफोन है बॉक्सी सा फील होता है। स्मार्टफोन की बात कर लें डिस्प्ले के बारे में, तो यहां पर आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले यहां पर दी गई है, और 3D कर्व डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है, 58.7D कर्व डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है। अगर बात करें स्मार्टफोन के कैमरे के बारे में, तो 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल लेयर कैमरा पीछे की साइड दिया गया है विथ OIS, और यहां पर 50 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा सेल्फी के लिए भी दिया गया है, तो सेल्फी इस स्मार्टफोन में काफी ज्यादा अच्छी आने वाली है। और यहां पर आई ऑटो फोकस का भी फीचर आपको फ्रंट के साइड वाले कैमरे में देखने को मिलता है। इस स्मार्टफोन की वेट के बारे में बात करें तो इस स्मार्टफोन का 180 ग्राम वेट है, साथ में 2.29 mm इस स्मार्टफोन की थिकनेस है, नैरो फ्रेम यहां पर दिया गया है, साथ में कलर चेंजिंग टेक्नोलॉजी के साथ में इस स्मार्टफोन का बैक पैनल आपको देखने को मिलता है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि 100% ऑफिशियली कंफर्म हो गए हैं इस स्मार्टफोन के बारे में। प्रोसेसर के बारे में बात करें तो प्रोसेसर कहा जा रहा है कि इस स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon 695 का प्रोसेसर होने वाला है, तो प्रोसेसर आई थिंक थोड़ा सा और बेटर इनको करना चाहिए था। बाकी अगर बात करें स्मार्टफोन के लॉन्च डेट के बारे में, तो ये जो स्मार्टफोन है 28 अगस्त को इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च होने वाला है फ्लिपकार्ट पे इस स्मार्टफोन की लिस्टिंग हो चुकी है। अगर आप जाकर के देखेंगे तो फ्लिपकार्ट ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाएगा। बात करें स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में कि ये सारे फीचर्स वीवो किस प्राइस पॉइंट पर प्रोवाइड करने वाला है, तो प्राइस यहां पर इस स्मार्टफोन की जो निकल कर आई है उससे कहा जा रहा है कि स्मार्टफोन का जो बेस वेरिएंट है वो 25 से लेकर के 30,000 के बीच में स्टार्ट होने वाला है, यानी 25 से 30,000 रुपए के बीच में ये स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। तो आई थिंक बाकी फीचर्स तो ठीक है, लेकिन प्रोसेसर अगर Qualcomm Snapdragon 695 होगा तो इस प्राइस पॉइंट पर और भी काफी सारे अच्छे फ्लेक्सिव प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन हमें देखने को मिलते हैं, तो फिर वीवो V29e स्मार्टफोन को कोई क्यों परचेस करेगा। बाकी अगर आप वीवो के वाकई में फैन हैं, आपको वीवो के ही स्मार्टफोन अच्छे लगते हैं, तो फिर आप वीवो V29 स्मार्टफोन को ले सकते हैं। लेकिन प्रोसेसर वाइज अगर आप देखेंगे तो इस सेगमेंट में आपको बहुत सारे अच्छे ऑप्शन देखने को मिलते हैं जो कि आप यहां पर ले सकते हैं। तो फिलहाल ये कुछ नई डिटेल्स हैं वीवो V29e 5G स्मार्टफोन के बारे में। आपका क्या ओपिनियन है वीवो के बारे में? क्या वीवो के इस स्मार्टफोन को परचेस करना प्रेफर करेंगे अगर ये स्मार्टफोन 25,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होता है? अपना ओपिनियन हमें जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। फिलहाल दोस्तों ये था उस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, और इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लेना।